अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी व्यूवर्स, इंतज़ार कर रहे होंगे जियो टीवी की शान बहुत ही प्यारा ड्रामा जान निसार, जो कि तस्वीर कहानी में भी बहुत ज़्यादा सुपर हिट जा रहा है। तो जी कैसा लग रहा है आपको तस्वीर कहानी में ड्रामा देखना? एक घंटे का ड्रामा आपको 5-6 मिनट में पूरी तफसील के साथ बताया जाता है। प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी देखते हैं इसमें इस एपिसोड में क्या होता है। होश में आते ही गज़नवी ने जाफर को भेजा कि दुआ की बेल करवा के आएँ। तो वो बेल करवा के दुआ को उसके पेरेंट्स के घर छोड़ के आता है। दुआ अपनी अम्मी के घर जाती है, हालांकि दुआ का दिल कर रहा होता है कि वो गज़नवी को एक नज़र देखे, लेकिन जाफर उसे बाबा साहेब के हुक्म से उसके अम्मी के घर छोड़ देता है। दरवाज़े पे उसकी अम्मी आती है और वो उससे गले मिलती है। दुआ उनसे कहती है कि अम्मी मैं जहर नहीं दे सकती, मैंने जहर नहीं दिया। तो उसकी अम्मी कहती है हमें पता है, हमारा सारे खुश होकर उसका वेलकम करते हैं और फिजा जो है वो बहुत ज़्यादा उसके साथ बदतमीजी करती है। इधर हॉस्पिटल में खुशमाला उसके लिए सूप तैयार करके लेके आती है और उसे कहती है कि सूप पी रहे हो, फिर दवाई भी खानी है। तो वो आगे से कहता है जाफर नहीं आया। तो जब जाफर आता है तो फिर उसे पूछता है कि दुआ किधर है। तो कहते दुआ को तो मैं उधर से लॉकअप से ला के तो उसकी अम्मी के घर छोड़ रहा हूँ। तो दिल में सोचता है, कहता है कि वो इधर क्यों नहीं आई, मेरे पास उसे आना चाहिए था ना। इधर दुआ हॉस्पिटल आती है तो जाफर कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकती। वो उसकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें करती है, कहती है मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे एक नज़र देख ले लेगी। लेकिन पहले जाफर नहीं मानता, बाद में मान जाता है कि चलो एक नज़र ही देख के आ रहा। वो भी उसे देख ही रही होती है तो कश्माला की नज़र पड़ जाती है। तो वो उसे डांटना शुरू कर देती, कहती कातला तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा जी नहीं भरा तो चली जाओ यहाँ से। लेकिन वो नहीं जाती तो साथ ही बाबा सिंह आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि मैं इससे पहले कि मैं धक्के दे के निकलूँ जल्दी चले जाओ, वो चली जाती है। फिर गज़नवी को हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो घर आता है तो उसका सारे वेलकम करते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी माँ सदका वगैरह देती है। तो खुशी खुशी घर एंटर होते हैं तो रूम में जा कर बैठ जाते हैं, बच्चे उसके पास आके बैठ जाते हैं। तो खुशमाला बच्चों से कहती है कि चाचू को आराम करने दो, तो आप यहाँ से चले जाएं। तो बच्चे चले जाते हैं तो फिर जाफर से कहता है कि मेरे कपड़े निकालो, और ये खुशमाला तैयार होकर तो आके इनके रूम में आ जाती है। लेकिन वो वहाँ से उसे भेज देता है, कहते हैं कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। फिर बाद में वो कॉल करती है तो दुआ तो ये कॉल रिसीव कर लेता है, लेकिन आगे से कोई रिस्पांस नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता। इस पर दुआ को बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो अपनी अम्मी के गले लग के फिर रोती है, कहती है अम्मी कब ये मामला सीधे होंगे। तो फिजा आके उसको फिर इतनी ज़्यादा बातें सुनाती है, इतना ताने देती है, कहती है कि दूसरों की ज़िंदगी सुकून बर्बाद करके तो खुद सुकून की तलाश में हो, तुम्हें कभी ज़िंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। आप देखिए नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, साथ रहिएगा तस्वीर कहानी में।